to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Hi everyone, welcome back to a new vlog. I am Pooja and this is Naveen and we are leaving for Paris now. Considering aaj bhi hamari neend nahi hogi, kya kar rahe hain? Okay, we have to check out now. Main uske pehle aapko ye room dikha dun fatafat se. So this is where we are staying. It's messed up because we are checking out now. Flight actually शाम को 6 बजे की है and we thought we'll stay somewhere nearby. This hotel is Mirage Hotel. It's a decent hotel. एक चीज जो मुझे होटल के बारे में नहीं अच्छी लगी, इसे एकदम roads के बाजू में है. ये मेट्रो स्टेशन है ना साकिना का, उससे एकदम नो इट्स साकिना का साकिना से फर्स्ट टर्न पे ही है. हाँ साकिना का से फर्स्ट टर्न पर ही है. बट वन थिंग दैट आई डिडंट लाइक अबाउट दिस रूम इज यहाँ के जो विंडोज है ना वो नॉइज कैंसिलेशन नहीं है. तो पूरी रात बहुत गाड़ियों के आवाज आ रहे थे. लाइक अभी भी आई डोंट नो इफ यू कैन हियर बट सो मच नॉइज. बट स्टिल वी हैड अ नाइस स्लीप. मैं तो आराम से एकदम 12 बजे उठी हूँ. नाउ वी आर चेकिंग आउट. सो लेट्स गो. नाउ वी विल बी गोइंग टू द एयरपोर्ट. वील बी चेकिंग इन आवर बैग्स. देन we'll be clearing our immigration and in this video I'm going to show you my whole journey from Mumbai to Paris. और मैं ये वीडियो में आपको पेरिस का भी रूम दिखाने वाली हूँ. मेक श्योर दैट यू वॉच ऑल द व्लॉग्स फ्रॉम दिस ट्रिप, क्योंकि अगर आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हो इन पेरिस और स्विट्जरलैंड, दीज व्लॉग्स आर गोइंग टू बी सुपर सुपर हेल्पफुल. क्योंकि मैं इसमें डिटेल में आपको बताने वाली हूँ लाइक रूम, करेंसी, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग. सो मेक श्योर दैट यू वॉच ऑल द व्लॉग्स. ऑल्सो देयर आर मच मोर थिंग्स नीड टू बी कंसीडर्ड व्हेन यू आर बुकिंग होटल्स, अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग एंड ऑल. तो हम धीरे वी हैव डन दैट होमवर्क वेरी वेल एंड धीरे धीरे हम लोग पूरे वीडियोस में दिखाएंगे. हाँ सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग के हर वीडियो में थोड़े थोड़े हम आपको टिप्स देंगे. एज ऑफ नाउ वी आर गेटिंग वेरी लेट. दो बार हमको कॉल आ चुका है रिसेप्शन से टू चेक आउट. सो लेट्स गो टू द एयरपोर्ट. नवीन सर क्या हो रहा है? चलो नवीन सर एक पोज दे दो, अभी मैंने आपकी हेल्प कर दी. ओके सो हमारा इमिग्रेशन अभी हो गया है. हमारा जो ये था चेक इन लगेज था गाइज, उसमें 4 kgs एक्स्ट्रा था. ठीक है लाइक 2 kgs मेरे बैग में और 2 kgs इसके बैग में एंड स्टिल दे वर नॉट अलाउइंग इट. बाय द वे हमारी जो फ्लाइट है ना, क्या बोलते हैं उसको, लाइक इट्स इंडिगो फ्लाइट बट अभी मुंबई टू दोहा जो हमारी फ्लाइट है वो इंडिगो होने वाली है एंड देन दोहा टू पेरिस जो है वो कतार है. तो ऐसा जॉइंट फ्लाइट है. तो इंडिगो वाले बोल रहे थे कि हमें चल जाएगा 4 kgs बट कतार वाले क्लियर करेंगे या नहीं पता नहीं. बट एनीवे मैं जितनी बात कर रही हूँ और भूख लग रही है. सो हमने एक्चुअली सुबह से कुछ भी नहीं खाया. तो मैं बोल रही थी क्योंकि हमारा बैगेज एक्स्ट्रा था. तो ये आप बैग देख रहे हो, जैकेट है इसमें, जैकेट और प्रोटीन ये सब हमने डाल दिया. और नवीन कब से बोल रहा है यार एक क्लोथ की बैग ले लेते हैं, उसको थोड़ा वियर्ड लग रहा है कैरी करने में, क्योंकि एक्चुअली काफी वियर्ड है. तो हम दोनों ने अपना अपना कार्ड दिखाया. वी बोथ हैड वन लिमिट सो वी कैन एक्सेस द लाउंज एक बार मुंबई एयरपोर्ट पे. सो लेट मी शो यू आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है. वी हैव सम लेस एंड कुरकुरे. फिर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स है. Here we have some juices. So we have orange, apple, jaljeera, coconut sherbet. Here we have more juices, dahi. Yahan pe tea and coffee section hai. We have chicken biryani. Here we have some pasta and mushroom cream sauce. Have paneer kabab dal and veg kolhapuri. Puri. Okay. I guess the menu changes every day. Here we have some salad. Here we have some rice. Aur yahan pe hai dal. Don't
वी हैव नाउ लैंडेड एट दोहा एयरपोर्ट. एयरपोर्ट लुक्स वेरी नाइस बाय द वे. क्योंकि हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी तो जैसे ही आप यहाँ पे उतरते हो, कहाँ पे, दोहा पे, तो आपके ना सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं लाइक वीज़ा, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द पैसेंजर लोकेटर फॉर्म. सो मेनी पीपल डिडंट हैव पैसेंजर लोकेटर फॉर्म एंड दे वर राइट अहेड ऑफ अस इन द क्यू और उसकी वजह से हमें 40 मिनट्स लग गए. विच इज़ सो अनोइंग क्योंकि हमारे पास सब कुछ था बट स्टिल हमें इतनी देर रुकना पड़ा था. सो वी आर गोइंग टू गो एंड ईट समथिंग सिंस वी आर इन दिस मिडल ईस्टर्न कंट्री. आई थिंक वील अगेन ईट सम शॉर्मास एंड यहाँ के शॉर्मा की ना बात ही कुछ और है. सो दिस इज द फूड कोर्ट ऑफ दोहा एयरपोर्ट. काफ़ी भरा हुआ है. ये जो एयरपोर्ट है वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा है. बहुत सारे ऑप्शंस हैं टू चूज फ्रॉम लाइक कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, शूज़, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से शॉप कर सकते हो. हमें पर्टिकुलरली कुछ ऐसा शॉप नहीं करना था तो वी वर जस्ट सीइंग. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्वाइट रूम हियर. ऐसे दो तीन रूम्स हैं विच अ लॉट ऑफ एयरपोर्ट्स हैव दीज डेज, जहाँ पे अगर आपको जाके सोना है यू कैन गो एंड स्लीप. एज द नेम सजेस्ट दीज आर लाइक क्वाइट रूम्स, बट सारे क्वाइट रूम्स फुल हैं, लाइक एक भी सीट खाली नहीं है. इनफैक्ट थोड़ी वेटिंग है. वेटिंग भी हाफ एन आवर है. ओके, आई मीन यू डोंट नो ना कि कौन कभी उठेगा या कभी आ रहा है. करेक्ट. तो यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है कि क्वाइट रूम है. सो दिस इज द दोहा एयरपोर्ट. इट्स इम्प्रेसिव. मुझे तो काफी अच्छा लगा द वे इट्स मेड. बहुत फैंसी है. बहुत अच्छा लगा मुझे एयरपोर्ट. एंड दे आर मच मोर इन द प्रमोशन ऑफ दैट कतार वर्ल्ड कप. कतार वर्ल्ड कप, हाँ, उसका भी काफी प्रमोशन चालू है. एनीवे, आई थिंक वी आर गोइंग टू ग्रैब सम कॉफी नाउ एंड आई एम गोइंग टू डायरेक्टली सी यू इन द फ्लाइट. Yeah, that's it. Abhi thodi thakavat ho rahi hai by the way, but we have to survive a 7-hour flight. Okay, so quickly I'm going to show you how my experience was in Qatar Airways from Doha to Paris. So first let's come to in-flight entertainment. There were games, then some audio files, then sitcoms, shows, movies. मुझे इतना impressive नहीं लगा. इतने सारे options नहीं थे. Like mainstream Bollywood movies भी नहीं थी. It's okay, like new movies भी नहीं थी, old भी नहीं थी, एकदम अजीब सी movies थी. Then even the shows were okay. कैमरा भी नहीं थी फ्लाइट में. यूजुअली एमिरेट्स और कतार में कैमरा होती है. ओके, लेट्स सी व्हाट यू हैव गॉट हियर. वी हैड अ वेलनेस बैग, अ ब्लैंकेट, देन वी हैव दीज हेडफोन्स फॉर इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, देन वी हैव दिस स्मॉल किट विच हैज एन आई मास्क, सॉक्स, टूथब्रश, देन वी ऑल्सो हैव दिस सैनिटाइजेशन किट जिसमें ग्लव्स, सैनिटाइजर, मास्क, ये सब है. देन यू कैन ऑल्सो यूज दीज सीट्स फॉर योर लाइक नेक पिलो और समथिंग. गुड थिंग. फ्लाइट के एक घंटे बाद हमें एक्चुअली फूड मिला. आई गॉट दिस एग एंड मेयो सैंडविच. मैंने ये चूज़ किया क्योंकि द अदर ऑप्शन वॉज बीफ. उसके साथ मैंने चाय ले ली. द सैंडविच वॉज वेरी गुड. एंड या देन वी रीच्ड पेरिस. द ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट ओके. बहुत लंबी फ्लाइट थी बट खाने के लिए सिर्फ यही मिला. या नाउ एन्जॉय द पेरिस बिट. Bonjour from Paris. Yes, we finally made it, guys. Actually, हम होटल कैसे पहुंचे एयरपोर्ट से वो सब मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ बिकॉज आई एम वेरी वेरी हंग्री. मैं आपको एक बार रूम टूर दिखा देती हूँ. इट्स एक्चुअली लाइक अ स्मॉल टाइनी रूम बट इट्स क्यूट. गाइज, दिस इज द रूम. काफी छोटा सा रूम है. यहाँ पे एक छोटी सी वर्क डेस्क है. दिस इज अ क्वीन साइज बेड. यहाँ पे टीवी, एक मिरर है एंड दैट्स इट. और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है. And the washroom is again like a tiny, tiny washroom. But it's aesthetically very good. हाँ, aesthetics काफी wide. Actually, ये जो हमारा पूरा trip है वो काफी एक budget trip है. Like hotels पे हमने बिल्कुल भी spend नहीं किया है. तो जो भी हमको सस्ती सस्ती hotels मिल रही थी हमने वही choose की है. This one is Ibis. इसकी location बहुत अच्छी है. Cambron metro station से literally सिर्फ 100 meters दूर है ये. सो क्लोज टू अ मेट्रो स्टेशन. यहाँ पे बाजू में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं. स्टारबक्स, आई थिंक स्टारबक्स भी है. मेनी पीपल आर हैविंग द स्टारबक्स का टेक आउट. आई सेड आई एम गोइंग टू टॉक लेटर बट आई एम स्टिल टॉकिंग. ओके, सो आल्सो वी शॉर्टलिस्टेड वन मोर होटल, दैट इज द फर्स्ट होटल. हमने पहले वो सिलेक्ट की थी फर्स्ट होटल, बट नाउ
वी चेंज टू आइबिस बिकॉज वहाँ पे ना बुकिंग्स अवेलेबल नहीं थी. और अगर आपका बजट थोड़ा सा ऊपर है देन यू कैन गो अहेड फॉर दैट. नाउ वी आर गोइंग टू ईट समथिंग देन वी आर गोइंग टू कम बैक टू द रूम टेक अ बाथ गेट रेडी एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डे. बस ये वीडियो वहीं तक होगा. आई विल कम बैक एंड टॉक टू यू अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो इफ यू आर कमिंग टू पैरिस. बट एज ऑफ नाउ लेट्स गो ईट समथिंग एंड उसके बाद का जो होगा यू विल सी इट ऑन माई मेन चैनल गोलगप्पा गर्ल्स. लेट्स गो. We are back in the room. Literally 10 minutes लगे सिर्फ हमारे होटल के बाजू में. There is this cafe called Artistil. Not a cafe, it's like a small stall जहाँ पे आपको breads मिलते हैं, you get desserts और इतना मस्त लग रहा था सब कुछ. तो we got some sandwiches and pasta for ourselves. So here is some pasta that we got. So guys, मैं ये बोल रही थी कि ये डंडा बहुत ही अजीब लग रहा है बीच में, है ना? नहीं तो थोड़ा इधर आ जा. Simple pasta with pesto sauce and chicken wings. पेरिस में आने के पहले मुझे बहुत लोगों ने ये बोला था कि पेरिस में बहुत स्कैम्स होते हैं, बहुत पिक पॉकेटिंग होती है, बहुत लोग लूटते हैं. एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू. मेरे जितने भी फ्रेंड्स अभी तक पेरिस आए हैं उन सबके बहुत ही खराब एक्सपीरियंसेस रहे हैं. सो दिस इज वन टिप इफ यू कमिंग टू पेरिस, प्लीज बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ द पीपल यू आर अराउंड. लाइक यहाँ पे इतने शातिर हैं व्हेन इट कम्स टू पिक पॉकेटिंग कि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कब आप पैसे लेके चले जाएंगे. तो हम जैसे काफी प्रिपेयर्ड आए थे. वो लोग क्या करते ना, दे डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम वन पॉइंट. And उनका पूरा एक गैंग रहता है. तो आजू बाजू से आके दे ओपन अप योर बैग एंड दे टेक वॉलेट और समथिंग. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज डोंट कैरी एक्स्ट्रा कैश इन योर पॉकेट्स. बैक पॉकेट तो सोचो ही मत. पॉकेट्स तो खाली रखो, ठीक है? सबसे पहले अगर फैनी बैग और बैग विच इज लाइक फ्रंट साइड रहेगा, अगर आप बैकपैक भी पहन रहे हो ना तो आगे रखो. हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, टच वुड. वी ऑल्सो वॉन्ट टू से कि हम जिन भी लोगों से आज मिले थे वो वेरी 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 स्वीट. लाइक हम लोग का लगेज एक्चुअली उठाने में थोड़ा हमको डिफिकल्टी हो रहा था क्योंकि बहुत स्टेयर्स थे. तो वहाँ पे इतने लोकल्स दे जस्ट केम एंड हेल्प्ड अस. बहुत हमारे तो अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए. आई टेल यू व्हाट, हम जब ये लेने गए ना तो हम लोग ये कोक वहीं पे भूल गए. तो वहाँ का जो ओनर था ही केम आउट के अरे यू नो यू फॉरगॉट योर कोक. तो हमारे साथ तो ऐसे काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए. बट जस्ट यू नो बी अवेयर कि ऐसा कुछ हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ डू यू कम फ्रॉम द एयरपोर्ट टू योर होटल? टेक अ ट्रेन इफ यू आर कमिंग टू मेन पेरिस. तो मोस्टली आप RER ट्रेन सर्विस लोगे. मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. एंड या दैट्स इट. हाउ डू यू ट्रैवल इन पेरिस? यू टेक अ टू डे पास. वन डे पास कॉस्ट अबाउट पास शो देम. या यू गेट अ पास लाइक दिस. सो ये दो दिन का पास आपको मिलता है 38 यूरोस में. और ये आप सारे जोन्स, मतलब यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कौन से जोन में जाना है. 38 यूरोस पर पर्सन फॉर टू डेज. यू कैन गो एनीवेयर एंड यू कैन टेक एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट. यू कैन टेक एनी ट्रेन फ्रॉम एनी फ्रॉम ऑल द जोन्स. सेम सिमिलरली वी डिड इन लंदन. यहाँ पे भी सेम सिस्टम है. वहाँ पे कार्ड था, यू हैव टू रीलोड इट. यहाँ पे वन डे पास है. मेट्रो की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है यहाँ पे. सो यू कैन ऑलवेज यूज दिस. एंड दैट्स इट. आई होप यू गाइस एंजॉय दिस व्लॉग. आई थिंक काफी बड़ा व्लॉग होगा. शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रो. ओके, जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी अबाउट नवीन्स बर्थडे. आई थिंक जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी वो लुजर्न से होगा. सो लेट्स सी, पेरिस का यही ब्लॉग है. बाकी गोलगप्पा गर्ल चैनल पे आपको दिख जाएगा. एंड दैट्स इट. आई होप यू गाइस एंजॉय दिस व्लॉग. इफ यू डिड प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन. Share this video with anyone who will find it helpful. Subscribe to my channel and I'm gonna see you next time. Bye.